Today's point of discussion is effect of culture. So let me just go in detail and try to understand what it is. So first, friends, we can say that culture have both type of effect, functional as well as dysfunctional. In simple words, I can say culture ki dono type ki effect hogi. Positive effect bhi hogi, negative effect bhi hogi. So first of all, let me understand what are the negative impact of cultures have on the organizations and its people. कि लोगों के ऊपर उसकी क्या negative impact आने वाली है, वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं. तो first we can say a problem from the wealth need of culture relates to the management of diversity. कि अगर आपका organizations जो है, उसका well established culture होगा. ये जो कल्चर होगा वो एक दूसरे को सबसे जुड़ा हुआ रखेगा. बिकॉज ऑफ दैट उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी कंपनी में एग्जिस्टेड है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनके बीच में ऑलरेडी बॉन्डिंग बन गया होगा. नाउ एज्यूम दैट इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, कि भाई कोई नया बंदा कंपनी के अंदर एंटर हो रहा है, तो नाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन will found the difficulties in entering and adjusting with others. कि भाई अगर वो बंदा नया है, उसका way of thinking, way of doing the task अलग है, different है as compared to the present one, तो लोग उसे accept नहीं करेंगे. क्यों? तो कि भाई अभी currently जो लोग है वो एक particular cultures को follow करते हैं, strictly follow करते हैं और उसके मुताबिक ही काम करते हैं. कोई नया बंदा आएगा, उसके नया काम करने का तरीका होगा, then people will not accept it, people will not support it. So because of that, कि वहाँ पे जो diversity होगी, अगर नए नए लोग आते हैं, diverse लोग होंगे, तो वो diversity को manage करना आपके लिए बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा. क्यों? तो कि लोग नई चीज़ों के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे. एक और second perspective से देखें, तो एज्यूम करो कि सब लोग ने वहाँ पे सेम तरीके से कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं, सेम तरीके से अपने डिसीजंस, काम करने का तरीका सब लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, वही फॉलो कर रहा है. तो इवन डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में, कि भाई अगर कोई बंदा है, सब लोग मिलके डिसीजंस ले रहा है, तो वहाँ पे इश्यूज प्रॉब्लम्स क्या आएंगे? सब लोगों का सोचने का तरीका सेम हो जाएगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका सेम हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट जो हमें डाइवर्सिफाइड व्यू चाहिए, डिफरेंट व्यूज चाहिए, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेगी. सो बिकॉज ऑफ दैट वंस अगेन कि भाई हमारे पास लिमिटेड ऑल्टरनेटिव हो जाएंगे, सब लोगों का काम करने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका सेम है, बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट हैव द डाइवर्सिटी व्यूज इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस. तो सबसे पहला जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे क्रिएट होगा वो होगा मैनेजिंग द डाइवर्सिटीज, कि कोई नया बंदा आएगा तो वो जल्दी से वहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके साथ मिलके काम नहीं करेंगे, उसके जो काम करने का तरीका है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इवन इन डिसीजन मेकिंग में भी हमें डाइवर्सिफाइड व्यू नहीं मिलेंगे. अगर कोई व्यू देता है तो उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम विच गोइंग टू जनरेट इज द मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी. सेकेंड प्रॉब्लम, the cultures act as a barriers in the case of merger. आप accountancy and acquisitions होता है कि कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को acquire करती है, या दो कंपनी merge होके कोई तीसरी कंपनी बनती है. So now in that particular case, कि भाई आपने accounting में normally पढ़ा होगा कि भाई आप जब आप merger के लिए जाते हो, acquisitions के लिए जाते हो, तो दोनों कंपनी normally क्या देखती है? Accounts. देर फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, कि भाई हमारे पास कितना एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, सामने वाले के पास कितनी एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, उनका प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो ऐसे नॉर्मली थिंग्स जो होती है वो लोग कंपेयर करते हैं, कॉमन करते हैं, और स्ट्रेटेजी के बेसिस पे वो लोग मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए जाते हैं, और उसके बेसिस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं कि यस मर्जर एंड एक्विजिशंस करना है नहीं करना है. बट यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि भाई कल्चरल इम्पैक्ट. तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चंस है कि अगर हम मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें जो हम कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं
वो कंपनी का कल्चर के बारे में ऑब्जर्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना है तो क्यों करना है? एनी वन ऑफ यू? क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हम कोई कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, किसी कंपनी के साथ हम मर्ज के लिए जा रहे हैं, तो वो कंपनी का जो कल्चर है वो कल्चर को हमें क्यों ऑब्जर्व करना चाहिए? कल्चर ऑब्जर्व करेंगे तो लोगों का बिहेवियर पता चलेगा, और बिहेवियर से हमें डेफिनेशन ही कहती है कि लोगों को बिहेवियर को इंटरप्रेट करके हमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स के साथ से मर्ज करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन आगे मैनेज तरीके से मैं पूछता हूँ बाकी के लोगों के लिए, अगर आप मर्जर और एक्विजिशन के लिए जाओगे तो मर्जर एंड एक्विजिशन सक्सेसफुल कब होगा, फेलियर कब होगा? कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, फाइनेंस और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। वो सक्सेसफुल कब जाएगा, फेल कब जाएगा, और डिफिकल्टीज कब आएगी? जब जो मर्ज हो रहा है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर अलग हो गए तो डिफिकल्टीज आएगी, और सेम ना थोड़े बहुत सेम हो गए तो कम डिफिकल्टी होगी। यस करेक्ट, वेरी गुड। एज्यूम करो कि भाई हमने टाइप्स में देखा था, देखिए कि भाई हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस है, कि भाई कंपनी वन जो मैकेनिस्टिक कल्चर वाली है, कि जहाँ पे सब लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमारा डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट वर्सेस डिपार्टमेंट फाइट चल रही है, तो सब लोग अपने डिपार्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं, अपने डिपार्टमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं, कंपनी के बारे में लोग सोचते नहीं है, ऐसे लोग हैं। कंपनी बी है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक कल्चर है, तो वो कंपनी के अंदर सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो कि कंपनी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो टास्क दिया गया है उनको वो अभी कंप्लीट करना है, तो सब लोग साथ में मिलकर डिपार्टमेंट को भूल के एक साथ काम करते हैं। नाउ एज्यूम करो कि ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी, तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज होंगे और यहाँ के जो एम्प्लॉयज होंगे वो फ्यूचर में एक साथ मिलके कोई नए प्रोजेक्ट के अंदर अगर काम करेंगे, तो दोनों का काम करने का तरीका, दोनों का डिसीजंस लेने का तरीका सेम होगा? आंसर विल बी नो। तो उसके कारण क्या होगा, ये लोगों का काम करने का तरीका अलग है, क्यों? तो बिकॉज ऑफ दैट कि भी वो लोग कई सालों से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जहाँ पे ऐसा कल्चर है, मैकेनिस्टिक कल्चर है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग वो कल्चर के अंदर क्या हुआ, उनके अंदर वो कल्चर उतर गया होगा, वो लोग उसके मुताबिक ही काम करते होंगे। सो नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस आफ्टर द मर्जर एंड एक्विजिशंस, कि भी मर्जर एंड एक्विजिशंस के बाद एक टफ सिचुएशंस आपके लिए आएगी, कि जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज के अंदर ग्रुप क्रिएट हो सकता है, पावर एंड पॉलिटिक्स क्रिएट हो सकता है, एंड इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट मैनेजर्स टू टेक द थिंग्स गेट द थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स, कि भी लोगों से काम लेना बहुत ही टफ हो जाएगा। सेम वे कि भी ऑथोरिटेरियन है, पार्टिसिपेटिव है, एज्यूम करो कि दोनों को मर्ज किया, तो ये लोग ऐसे ही ऑबिडियंस वाले है कि जो बॉस बोलेगा वही करेगा, हमारे अंदर तो कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं है, हमें तो कोई डिसीजन में हमेशा इन्वॉल्व होते ही नहीं है, तो इवन वो लोगों को आप डिसीजन में इन्वॉल्व करोगे तो वो लोग कोई ऑल्टरनेटिव आपको देंगे नहीं, क्यों? तो क्योंकि वो सालों से ऐसा ही है, जो बॉस बोलता है वही मेरे को करना है, मेरी कोई क्रिएटिविटी है नहीं, तो उनके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग पावर होगी नहीं। सो यहाँ पे इश्यूज क्या होगा कि अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए जाते हो तो उस टाइम पे इवन आपको कल्चर भी ऑब्जर्व करना है, कि भाई हम अकाउंटिंग चेक करते हैं, असेट्स लायबिलिटीज चेक करते हैं, बट बियॉन्ड दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई दोनों कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो कैसे है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, वो कौन से कल्चर के अंदर, वो कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यूज, बिलीव्स, थॉट्स, फिलोसॉफीज कैसी है। कि भाई एज्यूम करो कि भाई एक बंदा ऐसा है कि जो पहले कंपनी में था कि जहाँ पे ब्राइब देना अलाउ था, अभी वो कंपनी में आ गया है जहाँ पे ब्राइब देना क्या है, अलाउ नहीं है, तो वंस अगेन he or she is going to found the difficulties to perform the task, because वो सालों से ऐसा ही करता है कि भाई पैसा देता है, काम करता है, सामने वाले को कन्विंस करने के लिए थोड़ी सी ब्राइब दे देता है, सो अभी वो इजीली कन्विंस नहीं कर दे पाएगा, इजीली कन्विंस नहीं कर पाएगा, उसकी जो काम करने का तरीका है वो टोटली अलग हो जाए। जो इट कैन बी द वन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कि भाई कंपनी ने अगर इसको ध्यान में नहीं लिया और डायरेक्टली मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए चले गए, और अगर सामने वाली कंपनी का कल्चर उनसे टोटली डाइवर्सिफाइड हुआ, टोटली डिफरेंट हुआ, ये
एक्सट्रीम कॉर्नर्स हुआ कि भाई ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स के एक्स साइड पे है, वो लोग वाई साइड पे है, दोनों को आपको मर्ज, दोनों ने आप दोनों को कंपनी को आपने मर्ज कर दिया, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट द ट्रेमेंडस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स फॉर यू. सो इवन सेकेंड प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि भाई कल्चर जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. थर्ड पॉइंट फ्रॉम नेगेटिव परस्पेक्टिव, कल्चर इज गोइंग टू क्रिएट अ ग्रुप थिंकिंग. कि भाई कल्चर जो होगा वो कंपनी के अंदर लोगों के अंदर ग्रुप थिंकिंग के लिए लेके जाएगा, लोगों का ग्रुप बनेगा और लोग ग्रुप के अंदर एक ही टाइप के वे ऑफ थिंकिंग, बिलीफ, एटीट्यूड सबका वही हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप थिंकिंग. चलिए देखते हैं ग्रुप थिंकिंग क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या होगा अगर ग्रुप थिंकिंग अगर कंपनी के अंदर हो जाता है तो. सो इट रिफर्स टू अ कंडीशन इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेंड टू थिंक अलाइक. कि भाई कंपनी के अंदर कैरेक्टर्स हो जाएगा कि जहां काम करने का तरीका सेम हो जाएगा, बिकॉज वो सालों से वही कल्चर्स के अंदर काम करते आए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि भाई वो सब लोग एक ही प्रकार के हो जाएंगे, उनका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका सेम हो जाएगा. द मेंबर सेट्स अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस टू अचीव द कॉमन सेंसस. कि भाई सबको कॉमन सेंसस होना चाहिए, मतलब सबका थॉट्स, सबको साथ में मिलकर काम करना है, वही उनका लिए स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि यस ये मेरी कंपनी है, यहाँ पे मेरे को सब लोगों के साथ में मिलके जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही मेरे को करना है, ऐसे लोगों के अंदर मोटिव हो जाएगा. द मेंबर्स टेंड टू लिमिट देयर लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस एट अ फ्यू एंड स्पेंड लेस टाइम इन कंसिडरिंग द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. कि जब आप ग्रुप में डिसीजंस ले रहे हो तो आप अपने आप को लिमिट कर दोगे कि यस मेरे को बहुत नहीं बोलना है, जो ग्रुप वाले कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ग्रुप वालों ने जो अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किया है वो सही आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने जो सॉल्यूशन डिसाइड किया है प्रॉब्लम्स का वो सही ही होगा. तो अगर आपके पास इवन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है, आपका सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होगा, बट फिर भी आप वहां पे नहीं दोगे. क्यों? तो क्योंकि आपको दिखना है कि यस आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेंबर, आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, कि भाई मैं वो ग्रुप का मेंबर हूं. आप क्या यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप कंसेंसस, ये हमने कॉन्सेप्ट समझा था ग्रुप कंसेंसस, कि भाई आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका डिसीजंस क्या होगा, जो ग्रुप का डिसीजंस है वो. हमने एग्जांपल लिया था कि भाई पांच फ्रेंड्स गए हैं, चार ने पंजाबी मंगाया, तो फिफ्थ वाला भी बोलेगा नहीं नहीं मैं पंजाबी खा लूंगा, चार लोगों ने बोला सो एंड सो मूवी देखना है, तो पांचवा वाला भी बोलेगा नहीं मैं ये मूवी देख लूंगा, लाइक दैट. तो उसके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव होगा बट वो अपना व्यूज नहीं रखेगा. दे फॉलो द लीडर, कि जो उनका लीडर होगा वो जो बोलेगा वही उनको करना है. तो ये टाइप की थिंकिंग कंपनी के अंदर क्रिएट होगी, तो उसे कहते हैं ग्रुप थिंकिंग, कि भाई सब लोग साथ में मिलके अलाइक हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे और सब लोगों का सोचने का तरीका सेम हो जाएगा. उसके कैरेक्टर समझते हैं कि भाई इससे क्या होगा कंपनी के अंदर. द सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप थिंकिंग लाइक दिस. There is an illusion that the group is invulnerable and cannot make the major errors in judgments. कि भाई illusion create होगा, एक image create होगी कि जो group है वो जो decisions लेता है वो हमेशा correct ही होती है, सही ही decisions लेता है. कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमारा जो group होगा वो जो decisions लेगा उसके अंदर कोई issues, problems होगा, errors होगी. तो सब लोग के अंदर एक illusion create हो जाता है कि भाई हमारा group जो है वो नहीं करे, उससे कोई मिस नहीं. द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द डोमेन ग्रुप व्यूज टेंड टू बी इग्नोर्ड, डिस्काउंटेड एंड मिनिमाइज्ड. ग्रुप के अंदर अगर कोई बंदा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देता है कि भाई ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोगों ने बोला कि भाई हम प्लान ए के साथ जाएंगे, बट एक बंदा बोलता है नहीं नहीं प्लान बी भी अच्छा है, तो वो बंदे का व्यूज कोई सुनेगा नहीं, उसको इग्नोर किया जाएगा कि भाई एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी के सब लोग जो बोलेंगे वही होगा. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जो मेजोरिटी डिसाइड करती है वही कंपनी के अंदर होता है, कोई एक बंदे का व्यूज कभी भी ध्यान में लिया जाएगा नहीं.
सो ग्रुप मेंबर्स आर प्रेशर्ड टू कंफर्म टू द मेजोरिटीज व्यूज के भी जो जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे क्या होगा, लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि जो सब लोग बोलते हैं जो सब लोग करते हैं वैसे ही आपको करना है, वैसा ही आपको बोलना है, जो ग्रुप ने डिसाइड किया है भाई प्लान ए तो आपको भी बोलना है प्लान ए लाइक दैट। तो बाकी के ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर्स क्रिएट करेंगे कि जो मेजोरिटी कहती है वही आपको कहना है, उसके साथ ही आपको जाना है, आप अपना डिफरेंट व्यूज रख नहीं सकते हो। द प्रेशर्स टू कंफर्म डिस्करेज द माइनॉरिटी व्यूज पॉइंट एंड फ्रॉम बीइंग ब्रॉट बिफोर द ग्रुप, कि भाई धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो माइनॉरिटी वाले बंदे होंगे, जो बंदा है जो डिफरेंट थॉट्स है उसकी, वो बंदे के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बनता रहेगा कि भाई तेरे को अलग नहीं बोलना है, तेरे को सेम बोलना है, सेम बोलना है, सेम बोलना है। सो नाउ दिस माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वाला बंदा जो होगा वो डिस्करेज हो जाएगा एंड धीरे धीरे वो बंदा पॉइंट रखना बंद कर देगा और वो भी ग्रुप जैसा बोल रहा है वैसा ही करना वो ऑटोमेटिकली कंपनी के अंदर स्टार्ट कर देगा। नाउ देयर इज अ इल्यूजन ऑफ मॉरालिटी कि भाई ग्रुप के अंदर मॉरालिटी का इल्यूजन्स हो जाएगा, एक नकली पिक्चर क्रिएट हो जाएगा कि भाई ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, तो कि भाई ग्रुप के अंदर हम सबको संभालते हैं, सबके साथ डिस्कस करते हैं, अगर इश्यूज है प्रॉब्लम्स है तो सबका व्यूज लेते हैं, सब लोग साथ में बैठ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके फिर डिसीजंस लेते हैं, तो इट्स अ इल्यूजन। क्यों? तो कि भाई ग्रुप में क्या होता है, जो मेजोरिटी बोलती है वही होता है। सो ग्रुप के अंदर चार या पांच लोग होंगे जो डोमिनेंट होंगे, बाकी के लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और उनको जो करना है, उनको जो डिसीजंस लेनी है वही वो लोग लेंगे, बाकी के लोग तो सिंपली उसको फॉलो कर देंगे, जो लीडर बोलेगा वही सब लोग करना स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ देयर इज अ इल्यूजंस ऑफ मोरालिटी, यस हम सबको इन्वॉल्व करते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं, सबके भले के लिए काम करते हैं, तो ये सब कुछ एक इल्यूजन हो जाएगा, रियल में ऐसा होगा नहीं। तो दिस इज फ्रॉम नेगेटिव पर्सपेक्टिव।